हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली वर्सेस हैदराबाद के बीच में जो 42 मैच होने वाला है आईपीएल में, इस मैच के बारे में। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मेरे चैनल पे जो गिव अवे चल रहा है उसका रिजल्ट जो है फाइनल मैच से एक या दो दिन पहले आएगा, बिल्कुल ये कन्फर्म है। ठीक है, जिस दिन फाइनल मैच होगा उससे पहले जो है जो विनर होगा उसे 1K डिवाइड करके मैं दे दूंगा। ठीक है, विनर जो है अभी भी फिक्स नहीं है, डिपेंड करता है आप लोग मुझसे कितना कनेक्ट हो, कितना वीडियो को लाइक करते हो, कितना कमेंट करते हो। बहुत सारे लोग पूछ रहे हो हैं कि कितने को दे सकते हो। तो फ्रेंड, अगर समझ लो मेरे जो है चैनल पे बहुत कम कमेंट आते हैं तो समझ लो कि 20 या 30 लोग अगर कंटिन्यू कमेंट करते हैं मेरे अभी से लेके जो हर वीडियो पे, तो उसे मैं 20 लोगों को ही जो है 1K जो है डिवाइड करके दूंगा। मेरी कोशिश है कि ज़्यादातर लोगों को दूं ताकि किसी को भी जो है शिकायत का मौका ना रहे। अदरवाइज़ आप लोग अगर चाहेंगे कि अगर मैं किसी एक को भी विनर जो है 1K दे दूं, तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा फेयर नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग मेरे वीडियो देखते हैं और सभी को जो है ये मिलना चाहिए। तो इसके लिए आपको लाइक करना है, कमेंट करना है और Q&A वीडियो भी आने वाला है, तो आप कुछ अगर पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिएगा। आप चाहें तो वीडियो के कमेंट भी मुझे कमेंट कर सकते हो और मेरी एप्लीकेशन में भी जो है आप मुझे बता सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो, अगर आपने मेरी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे आपको ड्रीम 11 की टीम और जो है अपडेटेड सब कुछ, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो प्रीवियस मैच का भी मैंने जो है टीम या स्पॉन लीग अनाउंस ग्लैंड लीग का टीम मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। आप चाहें तो ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे देख सकते हो। तो इस मैच के लिए भी मैं जो है मॉर्निंग को जो है वो स्मॉल लीग की टीम देता हूँ और जो 4 to 6 PM तक जो मैं ग्रैंड लीग की टीम अपडेट कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग टीम न्यूज़ के देख लेते हैं, जो कि आपको मेरी एप्लीकेशन पे ही मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्लेन मैक्सवेल को प्रीवियस मैच में ओपनिंग करने को भेजा था, लेकिन वो वर्क नहीं हुआ और वो रनआउट हो गए थे, तो उनकी पोजीशन थोड़ा बहुत डाउट पे है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें उसकी जगह जो है मोंडो या फिर रॉय को मौका मिल सकता है। वहीं पे नमन ओझा भी रनआउट हुए थे, डैनियल क्रिश्चियन, आवेश खान, तो ये सारे प्लेयर जो है डाउटफुल है। तो आप अगर स्मॉल लीग की टीम बना रहे हो तो इससे इन लोगों को मत ले जाओ। वहीं पे सनराइज़र हैदराबाद विनिंग कर रहे हैं, तो उनकी टीम में कोई भी चेंजेस अभी तक पॉसिबल तो नहीं है कोई चेंजेस हो। ठीक है, तो बात कर लेते हैं डेवलपर्स के प्लेइंग 11 पे, तो कुछ इस तरह का होने वाला है मेरे हिसाब से। जो मैंने स्लैश देकर आपको बहुत सारा ऑप्शन दे दिया है, यहाँ पर लियम पंकित, अमित मिश्रा, ठीक है, नमन ओझा, डैनियल क्रिश्चियन, ग्लेन मैक्सवेल, ट्रेंट बोल्ट, विजय शंकर, श्रेयस अय्यर, मोहम्मद शमी, ऋषभ पंत एंड पृथ्वी शॉ, ये प्लेइंग 11 हो सकते हैं। बात करें सनराइज़र हैदराबाद की, तो वो उनकी जो है लगभग सेम प्लेइंग 11 रहेंगे, क्योंकि ये लोग जो है 10 में से जो है अभी तक जो है 8 मैच जो है ये जीत चुके हैं और सिर्फ 2 ही मैच जो है हारे हैं। तो आप यहाँ पे इनके की प्लेयर्स के बारे में भी देख सकते हो, जो कि केम विलियमसन है, उसके बाद सिद्धार्थ कौर, राशिद खान ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है। वहीं पे दिल्ली के लिए ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर जो है दोनों ही बहुत ही अच्छे बैट्समैन और बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं। वहीं पे बॉलिंग में जो है ट्रेंट बोल्ट जो है उनके लीडिंग बॉलर हैं। तो बात कर लेते हैं एक ड्रीम 11 टीम के बारे में जो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो फ्रेंड चलिए देख लेते हैं ड्रीम 11 टीम के बारे में जो मैंने आपके लिए बनाया है। तो आपके पास विकेट कीपर पर है जो है आप दो ऑप्शन होने वाले हैं, तो दो ऑप्शन होने वाले हैं वो ऋषभ पंत एंड रिद्धिमान साह। आप चाहें तो नमन ओझा को ट्राई कर सकते हैं अपने रिस्क पर। वहीं पे बैट्समैन की बात करें तो शिखर धवन, केम विलियमसन, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, एलेक्स हेल्स, उसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे यूसुफ पठान और पृथ्वी शॉ, और यहाँ पे मैंने जो है विजय शंकर को लिया है। आप चाहें तो अपने हिसाब से थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि आप मनजोत कालरा को जो है ट्राई कर सकते हैं, शायद उसे मौका मिल सकता है और वो शायद जो ओपनिंग कर सकते हैं, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल जो वो फेल हो चुके हैं, शायद वो फिर से मिडिल ऑर्डर पे बैटिंग करने आए हैं। तो मैंने यहाँ पे केम विलियमसन, श्रेयस अय्यर, एलेक्स हेल और पृथ्वी शॉ एंड विजय शंकर को लिया है। ऑलराउंडर की बात करूँ तो यहाँ पे दो आपके लिए अच्छे ऑलराउंडर है, एक शकीब अल हसन, जो कि आपके लिए एक तो ऑलराउंडर लेना ही पड़ेगा जो कि कन्फर्म ऑलराउंडर है, वो शकीब अल हसन ही है। और ग्रैंड लीग में आप चाहें तो मैक्सवेल को खिला सकते हैं। वहीं पे डैनियल क्रिश्चियन के खेलने पे जो है डाउट
अभी भी बरकरार है। तो फ्रेंड बात कर लेते बॉलिंग की, तो भुवनेश्वर कुमार, राशिद खान, ट्रेंट बोल्ट, सिद्धार्थ कौर, संदीप शर्मा, अमित मिश्रा, लियम पंकित और इतने ही बॉलर आपके लिए लगभग लगभग कन्फर्म है और बाकी बॉलर जो है रिस्की है। तो मैंने यहाँ पर राशिद खान, ट्रेंट बोल्ट और सिद्धार्थ कौर को लिया है। तो बात कर लेते हैं कैप्टन एंड वाइस कैप्टन के बारे में, और मैं बहुत सारी आपको जो ऑप्शन भी देने वाला हूँ कि आपके लिए कौन सही रहेगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे सेफ जाने के लिए किम बुलिनसन और ऋषभ पंत को लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर श्रेयस अय्यर, एलेक्स हेल्स, शकीब अल हसन को आप ट्राई कर सकते हैं। शकीब अल हसन आप अगर किम बुलिनसन को नहीं बनाना चाहते तो शकीब अल हसन आपके लिए एक बहुत ही अच्छे चॉइस है। विकेट टेकिंग बॉलर है और रन भी बहुत ही अच्छे बना लेते हैं। इसके अलावा वाइस कैप्टन के लिए आप चाहें तो पृथ्वी शॉ को ले सकते हैं, क्योंकि पिछले 2 इनिंग में इन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। तो फ्रेंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में।